दोस्तों प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को और फ्री में पाइए नौकरी से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट को। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप आर्मी या फौज में नौकरी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना पूरा फिजिकल अच्छी तरह से बनाना होगा और आपको अपनी फिटनेस काफी अच्छी करनी होगी। दोस्तों इसमें जो सबसे पहली चीज सामने आती है वह है आपकी लंबाई, जिसके कारण काफी उम्मीदवार भर्ती रैलियों में खारिज हो जाते हैं। दोस्तों तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी लंबाई न बढ़ने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। दोस्तों ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन व्यक्ति के शरीर में लंबाई को बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान देते हैं। ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन व्यक्ति की पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, जिनसे हमारी लंबाई बढ़ती है। किंतु आहार में कमी और जीवन शैली में बदलाव की वजह से शरीर का विकास होना रुक जाता है। इन कमियों को पूरा करने के लिए व्यक्ति फिर अलग अलग तरह के पाउडर और दवाइयों का सेवन करने लगता है, जो उनके शरीर पर गलत प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपको कम से कम ऐसी चीजों से तो जरूर बचाना चाहिए। इनके स्थान पर आप प्रोटीन, कैल्शियम, वसा और आयरन से भरपूर आहार को ग्रहण करें तो अधिक लाभ होगा। जब किसी व्यक्ति की लंबाई को निर्धारित किया जाता है तो उसमें कुछ खास बातों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि अनुवंशिकता, आहार में पौष्टिकता, वातावरण और विकास हार्मोन। ये सब व्यक्ति की लंबाई से जुड़े कुछ अहम कारक माने जाते हैं। अनुवंशिकता, अनुवंशिकता यानी आपके जीन्स से अर्थ बच्चे के माता पिता की लंबाई से होता है। एक शोध में पाया गया है कि व्यक्ति की लंबाई के पीछे सबसे बड़ा कारक उसके शरीर के जीन्स होते हैं और ये जीन्स बच्चा अपने माता पिता से प्राप्त करता है, और इसीलिए बच्चे की लंबाई का पहला कारक उनके माता पिता की लंबाई को माना जाता है। पौष्टिक तत्वों की कमी, अगर बच्चे के माता पिता की लंबाई अच्छी होने के बाद भी बच्चे की लंबाई कम है तो इसका कारण उसके आहार में पौष्टिक तत्वों की कमी हो सकता है। इस स्थिति में बच्चे को अपने विकास के लिए ग्रोथ चार्ट बनवाना चाहिए और परिवारजनों को उसी के आधार पर उसे पौष्टिक खाना खिलाना चाहिए। कुछ डॉक्टर तो बच्चे के लिए ग्रोथ हार्मोन का भी सुझाव देते हैं, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन से बच्चे की 20 सेकंड 25 सेंटीमीटर तक लंबाई को बढ़ाया जा सकता है। पानी की कमी, पानी पाचन तंत्र को मजबूत करने के साथ शरीर के चयापचय को दूर करता है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है और शरीर का सही विकास हो पाता है। इसके अलावा शरीर में पानी की कमी से शरीर में नुकसानदेह जीवाणु को पैदा करती है, जिससे कद नहीं बढ़ पाता। कुपोषण, कुपोषण न सिर्फ कद बल्कि पूरे शरीर के विकास को बढ़ने से रोकता है। इससे बच्चे के शरीर में अनेक तरह की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से उसके शरीर का विकास रुक जाता है। कुपोषण की बीमारी ज्यादातर गरीब बच्चों में पाई जाती है, क्योंकि उनके आसपास का वातावरण प्रदूषित और गंदा होता है। हार्मोन में असंतुलन, कद के न बढ़ने के पीछे एक कारण हार्मोन के संतुलन का बिगड़ना भी हो सकता है। ऐसा तब होता है जब आप अति प्रदूषण वाले क्षेत्र में रहते हो या फिर किसी तरह के नशे जैसे धूम्रपान या शराब का सेवन करते हो। हैवी वेट लिफ्टिंग, अगर बच्चा छोटी उम्र में ही ज्यादा वजन उठाने लगता है तो वो भी उसकी लंबाई के रुकने का कारण बन जाती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को छोटी उम्र में भारी वजन को नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों जो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी आपको हमेशा ऐसे ही हमारे नौकरी से जुड़े वीडियोस फ्री में मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।